नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। 30 दिसंबर तक रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, कड़ाके की ठंड से होगा नए साल का स्वागत। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है। सुबह कोहरा व धुंध भी नहीं दिखाई दी। धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 30 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद 31 दिसंबर को यह मौसम प्रणाली आगे निकल जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से उत्तर बर्फीली हवाओं का रुख मैदानी राज्यों खासकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली की तरफ होने से हार्ड कंपकपा देने वाली ठंड, कोहरा व शीतलहर अपने तीखे तेवरों से आगाज करेगी। ऐसे में नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड से होगा। 30 दिसंबर के दौरान प्रदेश के उत्तरी जिले पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, सोनीपत, रोहतक, हिसार व भिवानी में अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। वहीं सीमित स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि जिला महेंद्रगढ़, चरखीदादरी, रेवाड़ी, झज्जर, नू, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम व NCR, दिल्ली में भी बादलवाई देखने को मिलेगी। इन इलाकों में बादलवाई के बीच एक या दो स्थानों पर ही छुटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। हरियाणा में नए BPL और AA राशन कार्ड बने, केवल इन्हीं को मिलेगा फ्री राशन। यहां चेक करें अपना राशन कार्ड। हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र की शर्तों के अनुसार ही राशन कार्ड बनाए गए हैं। हरियाणा सरकार के सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने पात्र परिवारों के राशन कार्ड तैयार करके पोर्टल पर डाल दिए हैं। इसमें BPL व AA राशन कार्ड ही डाले गए हैं। राशन कार्ड की बाकी सभी श्रेणियों को खत्म कर दिया गया है। पात्र लोग CSC सेंटर पर जाकर अपना राशन कार्ड निकलवा सकते हैं। BPL व AA परिवारों को अब राशन डिपो पर अब फ्री राशन मिलेगा। अब दो तरह के राशन कार्ड बने हैं। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए BPL व AA ही कार्ड बनाए गए हैं। बाकी तीन श्रेणियों के कार्डों का अब कोई वजूद नहीं रहा। अब 3 महीने बाद PPP यानी परिवार पहचान पत्र के आधार पर राशन कार्ड अपडेट होते रहेंगे। यानी PPP में परिवार पहचान पत्र में यानी फैमिली ID में 1,80,000 से कम इनकम होने पर नए कार्ड बनेंगे। वहीं जिनकी इनकम इससे ज्यादा होगी उनके राशन कार्ड काट दिए जाएंगे। खाद संकट, किसानों को यूरिया के साथ जबरदस्ती दवा थोपी तो रद्द होगा लाइसेंस। यूरिया खाद के साथ किसानों को जबरदस्ती दवाएं लेने व दवा न लेने पर खाद न देने का मामला खरकोदा में तूल पकड़ता जा रहा है। कृषि विभाग इसका समाधान करने में असफल साबित हो रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार SDM के पास पहुंच रही है, जिसके दृष्टिगत खाद विक्रेताओं की SDM ज्योति मित्तल ने बैठक ली और उन्हें खाद वितरण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने इस दौरान स्पष्ट किया कि कोई भी खाद विक्रेता किसान पर खाद के साथ दवाएं आदि लेने का दबाव न बनाए। अगर ऐसी कोई शिकायत उनके पास यदि आती है तो संबंधित खाद विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही SDM ने पैक्स में बीते वर्ष फरवरी के बाद से खाद नहीं आने पर नाराजगी जताई। कहना न होगा कि सहकारी समितियों में यदि खाद आ जाता है तो किसानों की यह समस्या हल हो जाएगी। मकान की मरम्मत के लिए BPL परिवारों को 80,000 रुपए दे रही है हरियाणा सरकार। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। इस प्रकार से करें आवेदन। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही DR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए BPL परिवार को 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। योजना में पहले केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही लाभ दिया जाता था। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी वर्गों के BPL परिवारों को शामिल कर दिया है। योजना का दायरा बढ़ाने के अलावा सरकार ने इसमें मिलने वाली राशि को भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र भी साथ लगाना होगा। आवेदक का अपना घर होना चाहिए जो कि कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। हरियाणा यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट अपडेट। CDLU में नौकरी का सुनहरा अवसर, 53 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। अगर आप हरियाणा में टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। बता दें कि हरियाणा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर टीचरों की भर्ती होने वाली है। हरियाणा यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने का यह बेहतरीन मौका होगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 53 शिक्षकों के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन आधार पर किया जाएगा। एक बार वैकेंसी निकलने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। PM श्री योजना अपडेट। हरियाणा के इस जिले में भी खुलेंगे 6 PM श्री स्कूल। करोड़ों रुपए खर्च कर विद्यार्थियों को दी जाएगी आधुनिक शिक्षा। मोदी सरकार की ओर से देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए देश भर में PM श्री स्कूल खोले जाने वाले हैं। PM श्री स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा की आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली है। PM श्री योजना के तहत हरियाणा के पानीपत जिले में भी 6 PM श्री स्कूल खुलेंगे। इससे जहां सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूल से बेहतर होगा, वहीं विद्यार्थियों को भी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा मिलेगी। योजना के तहत राजकीय स्कूल से PM श्री बनने वाले स्कूल पर 1 करोड़ रुपए खर्च करके तस्वीर बदली जाएगी।
इससे भवन के अतिरिक्त संसाधन और सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से पहले चरण में प्रत्येक खंड में एक एक पीएम श्री स्कूल बनाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक खंड में सीनियर सेकेंडरी स्कूल को उच्चीकृत किया जाएगा। पीएम श्री योजना को लागू करने का मुख्य मकसद देश के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा को सुधारना है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर ज्वाइनिंग इंडिया के तहत केवल सरकारी स्कूलों को योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत अपग्रेड होने वाले सभी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वहीं पीएम श्री स्कूल का बोर्ड भी नहीं बदला जाएगा, बल्कि हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी पढ़ाई जारी होगी। विद्यार्थी जिस भी माध्यम में चाहेंगे उसी में अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। देश भर में 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके साथ ही स्किल एजुकेशन पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम बढ़ाएगी बीजेपी की मुश्किलें। कर्मचारी संगठनों का रेस टू ईच प्लान दिल्ली कूच करेंगे, हिमाचल में इसी वजह से गवाई सत्ता। हरियाणा में नए साल पर पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस मनोहर सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगी। इसके लिए कर्मचारी संगठनों ने रेस टू ईच प्लान तैयार कर लिया है। 2023 में सभी कर्मचारी संगठन इसी प्लान पर जनवरी से लेकर अगस्त तक काम करेंगे। इस दौरान प्रदेश भर में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सितंबर में सभी कर्मचारी संगठन लामबंद होकर दिल्ली कूच करेंगे। आपको यहां पर बता दें कि हिमाचल में भाजपा ने इसी वजह से सत्ता गवाई है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के बहाल न होने से कर्मचारी नाराज थे, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। आपको यहां पर बता दें कि इनकी मांगे क्या रहेंगी। पीएफआरडी एक्ट रद्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करने, सभी ठेका आउटसोर्स व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, केंद्र एवं राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खाली पड़े करीब 60,00,000 पदों को पक्का भर्ती से भर, बेरोजगारों को रोजगार देने, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निगमीकरण व निजीकरण पर रोक लगाने, 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाकर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देना इत्यादि प्रमुख मांगे हैं। कर्ज पर हुड्डा का सीएम खट्टर पर फिर हमला, बोले मेरे आंकड़े गलत तो सरकार जारी करे श्वेत पत्र, कर्मचारियों की सैलरी पर है संकट। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर फिर हमला बोला है। उन्होंने राज्य पर कर्ज को लेकर कहा है कि यदि मेरे आंकड़े गलत हैं तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालात यह हो चुके हैं कि कर्मचारियों की सैलरी पर भी संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों को 10 से 15 दिन देरी से तनख्वाह दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई से 19,141 और 17,946 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इसके अलावा 14,995 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से और 13,012 करोड़ रुपए नाबार्ड से हरियाणा सरकार कर्ज ले चुकी है। उधर दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नेता विपक्ष के आंकड़ों को गलत बताया है। उन्होंने दावा किया है कि वह 4,15,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा सरकार पर बता रहे हैं, जबकि हरियाणा पर आज के वक्त में 2,27,000 करोड़ रुपए कर्ज है। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में हरियाणा सरकार 40,872 करोड़ रुपए कर्ज ले सकती थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 32,500 करोड़ रुपए ही कर्ज लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, वह सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा का ही ढिंढोरा पीट रही है, इसलिए वह अनाप शनाप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में फिर घमासान, हुड्डा खेमे पर भड़की एमएलए किरण चौधरी, बोली इनको मुझसे परेशानी, बीजेपी में जाने की अफवाह उड़ाई। हरियाणा कांग्रेस के नेता और विधायक किरण चौधरी ने फिर से पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के एक धड़े को मुझसे परेशानी हो रही है, मेरे खिलाफ बीजेपी में जाने की अफवाहें उड़ाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तोसा में कोई उपचुनाव नहीं होगा, सबको यह परेशानी हो रही है कि मैं पूरे हरियाणा में घूम रही हूं और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रही हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो पदों पर बैठे होते हैं यह जिम्मेदारी उनकी होती है कि वह सबको एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में लेकर चलें। हरियाणा विधानसभा में गलत आंकड़ों से नाराज सरकार, 3 मंत्रियों को होना पड़ा शर्मिंदा, शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक समेत 2 सस्पेंड, 2 के खिलाफ चार्जशीट दायर। हरियाणा विधानसभा के 3 दिन चले शीतकालीन सत्र में अफसरों की वजह से सरकार की किरकिरी हो गई। खासकर 3 मंत्रियों में किसी को स्पीकर की डांट खानी पड़ी तो किसी को माफी मांगनी पड़ी, जिसके बाद नाराज सरकार ने गलत आंकड़े देने वालों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में कई अफसरों की भूमिका संदिग्ध मिली है। मंत्रियों को गलत आंकड़े देने के मामले में सरकार को सदन में 3 बार शर्मिंदा होना पड़ा। शिक्षा विभाग की शुरू हुई जांच में 4 अफसरों की भूमिका संदिग्ध मिली है, इनमें 2 को सरकार ने सस्पेंड और 2 के खिलाफ चार्जशीट कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने भी सदन में गलत आंकड़ों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में बूस्टर डोज की डिमांड बढ़ी, पहली और दूसरी खुराक से ज्यादा खपत, रोज 1200 से ज्यादा लोग लगवा रहे। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच बूस्टर डोज की डिमांड बढ़ गई है। पहली और दूसरी खुराक के मुकाबले अस्पतालों में खपत भी बढ़ गई है। राज्य में रोज 1200 से अधिक डोज लगवा रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने के लिए सरकार को 2,00,000 वैक्सीन की शीशियों की आवश्यकता है। हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों की केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने और वैक्सीन की डिमांड रखी है। 24 घंटे में सूबे में पहली खुराक लेने वालों की संख्या 170 तो वहीं
दूसरी खुराक लेने वालों की संख्या 209 दर्ज की गई है, जबकि 1335 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में लगातार नए केस मिल रहे हैं। 24 घंटे में जिले में 5 लोगों की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाकी 21 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 20 पहुँच गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस भी गुरुग्राम जिले में ही दर्ज किए गए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर छात्र की साल में 2 बार होगी स्वास्थ्य जांच, सेहत पोर्टल पर जांच करनी होगी अपलोड। अगस्त महीने में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष सभी छात्रों का 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग ने प्लानिंग तैयार कर निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण करने के पीछे मकसद होगा कि स्वास्थ्य संबंधित मेडिकल सुविधाएं तुरंत मिल सकेंगी। यह तय किया गया है कि चिकित्सक की टीम एवं प्रत्येक स्कूल के 2 हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स अध्यापक प्रतिवर्ष 2 बार छात्रों के आंख, दांत, वजन, ऊंचाई व हीमोग्लोबिन की जांच कर उसका पूरा ब्यौरा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित अवसर पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ताकि छात्रों को उनके जांच अनुसार जो भी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधित उपचार चाहिए उसके लिए स्वयं दवाइयां उपलब्ध करवाई जा सके। दिल्ली में विभिन्न पदों पर आई भर्ती, लास्ट डेट नजदीक, 8वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। ग्रह कल्याण केंद्र नई दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ग्रह कल्याण केंद्र में अटेंडेंट, चपरासी, केयर टेकर व नर्सरी टीचर के पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2023 तय की गई है। नर्सरी अटेंडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं चपरासी या केयर टेकर के पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि नर्सरी टीचर के पदों के लिए आवेदक 50% अंकों सहित 12वीं पास तथा जेबीटी या फिर नर्सरी टीचर कोर्स पास होने चाहिए। यह भर्ती निशुल्क यानी फ्री की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने साल 2023 में होने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है। दोनों क्लासेज के एग्जाम 15 फरवरी से प्रारंभ होंगे। 10वीं का लास्ट पेपर 21 मार्च को तो वहीं 12वीं का लास्ट पेपर 5 अप्रैल को होगा। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएंगे। कोरोना से उबरने के बाद इस बार बोर्ड एग्जाम 100% सिलेबस के साथ होंगे। तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 223 अंक बढ़कर 61,133 पर बंद, निफ्टी 68 अंक चढ़ा, मेटल शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 223 अंक बढ़कर 61,133 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक की बढ़त के साथ 18,191 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं 11 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल, आइसर मोटर्स, एसबीआई, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, अडानी पोर्ट्स और हिंडाल्को समेत निफ्टी के 33 शेयरों में तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, डिविस लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोल इंडिया और टाटा कंज्यूमर समेत निफ्टी के 17 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सोने की बात करें तो सराफा बाजार में इसकी कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 80 रुपए महंगा होकर 54,651 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो ये 8 रुपए सस्ती होकर 67,840 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले फ्लैट बंद हुआ। $1 का रेट 82 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज़। नमस्कार।